जय हिंद जय भारत। मैं मेज अनुष, मेरे चैनल ब्लॉक 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नई नोटिफिकेशन लेके आया हूं, जिसमें आपको बहुत तादाद में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगे। काफ़ी सारे बंदे हैं काफ़ी इंतज़ार में है कि रेलवे की वैकेंसी कब आएंगे। रेलवे की वैकेंसी में 9000 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें SI कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9000 आपके पास वैकेंसी है, 9000 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हम देखेंगे इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। आपको यहाँ पर बताया गया कि एग्ज़ाम नेम जो है वो RPF कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम 2023, कंडक्टिंग बॉडी यानी कि जो आपको कंडक्ट करेंगे एग्ज़ाम वगैरह फिजिकल के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो एग्ज़ाम लेवल होंगे और नेशनल होंगे जो, और एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के मोड जो है वो ऑनलाइन है, और आपको एग्ज़ाम के टाइम जो दिए गए हैं वो 90 मिनट दिए गए हैं। एग्ज़ाम वेबसाइट आपको मिल जाएंगे indianrailways.gov.in में आपको मिल जाएंगे। RPF कॉन्स्टेबल 2023 के हम डिटेल्स अगर हम देखेंगे तो डिटेल्स में आपको ये जानकारी मिलेंगे कि जो वैकेंसीज है 2023 की जो RPF कॉन्स्टेबल एक्सपेक्टेड वो 9000 है। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड बताया गया है, यहाँ पे वैकेंसी भर भी सकता है, ठीक है ना। आपको ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो वैकेंसी है 9000 है, एक्सपेक्टेड बताया गया है, यहाँ पे आपको भर भी सकता है। जो हम कैटागरी देखेंगे एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताया गया है, बिफोर अप्लाइंग द RPF कॉन्स्टेबल 2023 कॉन्स्टेबल मस्ट इंश्योर दैट दे मीट द फ्लोइंग एलिजिबल कैटागरी। को ये बताया गया है कि अप्लाई करने से पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी वो आपको एक बार देख लेनी चाहिए। आपको हम देखेंगे जहाँ एज कैटेगरी फॉर द कॉन्स्टेबल पोस्ट इज बिटवीन 18 to 25 ईयर्स, यानी कि आपको बताया गया है कि 18 to 25 ईयर्स आपकी होना चाहिए एज की। वाइल फॉर द सब इंस्पेक्टर पोस्ट इट इज़ बिटवीन 20 to 25 ईयर्स, आपको ये बताया गया है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 20 to 25 ईयर्स होना चाहिए। आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, तो एज रिलैक्सेशन आपको कैसे मिल जाएंगे हम सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कितने होने से, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द कॉन्स्टेबल पोस्ट मस्ट हैव पास्ट क्लास 10 फॉर्म ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो आपको ये बताया गया है कि अगर आप मेट्रिक पास कर चुके हो तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको मेट्रिक पास बताया गया है 10 पास्ट, आपको यहाँ पे कोई परसेंटेज की बात नहीं की है, सिंपल मेट्रिक पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया वेल द फॉर द इंस्पेक्टर पोस्ट दे मस्ट बी हैव ग्रेजुएट डिग्री, आपको ये बताया गया अगर आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको डिग्री पास होना चाहिए, यानी कि BA पास आपको होना चाहिए। RPF रिक्रूटमेंट 2023 एप्लीकेशन प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे, द एप्लीकेशन प्रोसेस RPF रिक्रूटमेंट 2023 इज ऑनलाइन एंड कैंडिडेट नीड टू फॉलो द मेंशन स्टेप्स। आपको जो अप्लाई आप जो करोगे, अप्लाई की आपके यहाँ पे ये बताया गया है डिटेल्स, आप एक बार देख लेना कि आपको कैसे अप्लाई करनी है। मैं वीडियो भी बना दूंगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, मैं आपको अप्लाई की प्रोसेस में आपको बता दूंगा, ठीक है। हम एग्ज़ाम की पैटर्न देख लेते हैं एक बार, जो एग्ज़ाम की पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। आपको पता है जितने भी एग्ज़ाम आजकल हो रहा है सभी कंप्यूटर बेसिस ही एग्ज़ाम हो रहा है। जो जनरल अवेयरनेस है वो उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा और 50 मार्क भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एरिथमेटिक है वो 35 आपको है और 35 मार्क है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के बीच में आपको एक एक मार्क देखने के लिए मिल जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो 35 है और 35 मार्क भी है, और टोटल हम देखेंगे तो ग्रेंट है वो 120 है और मार्क भी 120 है। फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट देखेंगे, यानी कि PET, तो इसमें आपको कैटागोरी मेल में बताया, मेल में आपको सबसे पहले हम देखेंगे तो 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है, डिस्टेंस जो है वो वहाँ पे टाइम आपको दिए गए 5 मिनट 45 सेकेंड आपको दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल रन है। अगर हम फीमेल की देखेंगे जो मेरे बहने हैं उनके अगर देखेंगे तो 800 मीटर आपको दौड़ने हैं 3 मिनट 40 सेकेंड में, ठीक है ना। अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे, अगर हम सब इंस्पेक्टर को देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क है और 50 क्वेश्चन भी है। एरिथमेटिक 35 है और 35 है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 है, 35 भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो ये जो सब इंस्पेक्टर की है वो एक्स्ट्रा आ गया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 30 और 30 मार्क है, यानी कि टोटल ग्रेंड होंगे वो 150 मार्क की होंगे, 150 क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दूसरा चीज़ हम देखेंगे जो सब इंस्पेक्टर की,
तो फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट देखेंगे, जो मेल है मेल को 1600 मीटर दौड़ने आपको 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा मिलेंगे साफ इंस्पेक्टर में। फीमेल में 800 मीटर है और 60 मीटर आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो हम अब बात करते हैं, कैंडिडेट कैन फॉलो द बिलो मेंशन टिप्स फॉर आरपीएफ कांस्टेबल 2023 प्रिपरेशन। आपको ये भी बताया गया कि अगर प्रिपरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। गेट फेमिलर विथ द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपको जो एग्जाम सिलेबस एग्जाम दिए जाए एग्जाम की जो होंगे वो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आपको एग्जाम कराए जाएंगे। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। आपको ये बताया गया कि जो आप जो प्रैक्टिस करोगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बस मेरे चैनल ब्लॉक 24 में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब अगर आप चाहते हो कि आरपीएफ में मुझे ज्वाइन करना है, इंडियन रेलवे में मुझे पसंद है, काफ़ी सारे बंदे काफ़ी सारे भाई मेरे ऐसे होंगे जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर वीडियो को पसंद आई ज़रूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। और जिन जो मेरे भाई अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कि नया है बिल्कुल नया देख रहा है, वो मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।